मैंने इसके से बड़ा तजर्बा भी किया है, हमारे सलफी उलमा जो है उनका फिक्र से ताल्लुक कमजोर होता है। तो नहीं लेकिन इन्होंने आप माशाल्लाह वो दुरुल बहिया और रज़त नदिया वगैरह जो है उसके बाद बड़ा कुछ हो गया है, बल्कि अब तो तकलीद जो है वो अहले हदीस में भी दूसरे लोगों की नस्बत ज़्यादा फकी है, उनमें तो धड़े बन गए हैं और हर दरा जो है वो एक मुस्तकिल फ़िरका बन गया हुआ है, क्योंकि उलमा का एहतराम पाया नहीं जाता, इसलिए हर एक आदमी मुफ्ती बना हुआ है और किताब सुन्नत का पता ही नहीं कि किताब सुन्नत का पस मंजर क्या है, ये वाक़या कैसे हुआ क्यों हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तकलीद का इलाज जो है वो इज्तिहाद में है, तकलीद का इलाज जो है वो धड़ेबंदी में नहीं है, शख्सियत परस्ती में नहीं है। हमने शख्सियत परस्ती इख्तियार कर ली और धड़े फिरका बन गए। और दूसरी वजह ये भी है कि तकलीद का इलाज जो है वो इज्तिहाद में है, इसको जरा खोल दें। नहीं तकलीद का उल्ट है क्या? नहीं सारे हदीस तो उल्टे बन गए, तो इसलिए तकलीद का हल भी इज्तिहाद में है। हमारे यहाँ हदीसों को जो है वो इज्तिहाद की मेहनत करनी चाहिए। नहीं असल में आपको बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं ये मैं चाहता हूं कम से कम अहले हदीसों में जो इफरात तफरीत पैदा हो रहा है ना, और फिरका बंदी जो शदीद हो रही है, असल में फिरका बंदी जो है ये सिर्फ शख्सियत परस्ती और या ये अपने धड़े की। अब आप देखिए हम सियासत में हैं और इतने हम गंदे हैं कि एक बिल्कुल यानी सियासत का चूड़ा है, हम उसका दुम छल्ला बने हुए हैं। जो कुछ भी है बात तो आ गई, मैंने नाम